हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, और इसमें मैंने एक लैम्प बनाने की कोशिश की है, आर्टिफिशियल लैम्प। अब देखिए कि आपको कैसा लगा। जिसमें मैंने एक जूस की बोतल से लैम्प बनाई है। जूस की बोतल से ये देखिए, इसको ऊपर का हिस्सा काट के उसको कट कर लिया है कैंची से मैंने। नीचे का हिस्सा भी हटा दिया है मैंने, इसको बीच वाले हिस्से को मैंने यूज किया है कार्डबोर्ड और बोतल से मैंने एक लाइट लैम्प बनाया है। देखिए इस तरह से ग्लू से चिपका लीजिए आप कार्डबोर्ड को कट करके अच्छे से। और इसका बेस मैं बना रही हूँ, लैम्प का बेस। ये बिल्कुल एकदम अच्छा लुक देगा इससे, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। ये देखिए ओके, ये बन चुका है, सट चुका है अच्छे से। अब मैं इस पे एयर ड्राई क्ले का इस्तेमाल करूंगी अच्छे से दोनों को मिक्स करके, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी इस पे। देखिए इस तरह से, इस तरह से बनाने में एकदम लैम्प का शेप दिखेगा आपको। ये जब पूरा बन के तैयार होगा तो ये बिल्कुल सुंदर दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, इसका लुक बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने कोशिश की है। घर के लिए एक अच्छा सा डेकोरेशन भी बन जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। ये देखिए इसका बेस लगभग रेडी हो गया है। अब मैं ऊपर के हिस्से का काम करूंगी इस पे। ये देखिए इस बोतल को इस तरह से क्ले से चिपका लेती हूँ पहले मैं, से डिजाइन भी बन जाता है, इससे ये अच्छे से चिपक भी जाएगा। देखिए इसके साइड का लुक मैं बना रही हूँ, इसके साइड का डिजाइन इस तरह से। चारों कोनों पे अच्छे से क्ले चिपका दी लीजिए, उसके बाद इस पे मॉडलिंग टूल से थोड़ा थोड़ा डिजाइन में बनाऊंगी, इसका लुक एक अच्छा लुक बन के आए। इसलिए देखिए चारों कोनों चिपक चुका है अच्छे से, कोने पे क्ले अच्छे से मैंने इसको लगा दिया है। इस तरह से मैंने मॉडलिंग टूल का इस्तेमाल कर इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। ये मॉडलिंग टूल मैंने परचेस नहीं किया था, क्योंकि ये फॉर्म क्ले के साथ मिलता है, आप कहीं भी शॉप पे जाइए फॉर्म क्ले मांगिएगा तो इसके साथ में ये मिलता है, अंदर पैकेट में होता है। तो इससे बहुत अच्छा डिज़ाइन भी बन जाता है, इस्तेमाल भी होता है। इसका नीचे का बेस बन के तैयार हो चुका है, नीचे का लुक। अब मैं ऊपर का लुक बनाऊंगी इसका। देखिए पूरा बन के तैयार हो चुका है नीचे का लुक, अब मैं ऊपर का लुक बनाऊंगी। ये देखिए ये हैट के आकार का है। देखिए इसका ढक्कन खो गया था, तो मैंने दवाई मेजर करने वाले ढक्कन से उसके ऊपर का मैंने पार्ट बनाया है, इसको रखा है। ये देखिए इस तरह से साइड में क्ले चिपका के, और इस पर मैं डिज़ाइन करूँगी मॉडलिंग टूल से।
ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। देखिए कितने इजी तरीके से बन रहा है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इसे चिपका दूंगी इसको, और ये देखिए इस तरह से मैंने हल्के हाथों से इससे डिज़ाइन बनाया है। ये जब बन के तैयार होगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। आप इसका फाइनल लुक देखिएगा तो आप भी कहिएगा कि हाँ ये बहुत ही खूबसूरत। अच्छा तो देखिए, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि कैसा इसका लुक बन के तैयार हुआ है, कैसे ये बना है ना सुंदर। तो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कैसा बना है, बन रहा है या बना है। इससे मैंने डिज़ाइन किया है, देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर। इसे आप दिवाली पे भी डेकोरेट करके, जो आर्टिफिशियल टी लाइट कैंडल होता है उसे डाल के, इसे ओरिजिनल टी लाइट कैंडल ना डालें इसमें, क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो ये गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल इस तरह से अगर बनाएं प्लास्टिक के डब्बों से तो ओरिजिनल कैंडल ना डालें इसमें। ये मैंने आर्टिफिशियल लाइट ही इसके लिए बनाया है। ये किसी खास मौके पे आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं, जला के रख सकते हैं इसमें, दिवाली पे रख सकते हैं, बर्थडे पार्टी हुई तब घर में सजा के जलाकर इसमें अच्छे से रख सकते हैं। घर भी सुंदर दिखता है इससे। आप देखिए इसका पूरा लुक, जब फाइनल लुक इसका तैयार होगा तो देखिएगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। ये देखिए ये सूख चुका है बिल्कुल। अब इस पे पेंट करूंगी मैं, सूख चुका है। ये देखिए ये पूरा बन के तैयार हो चुका है। देखिए अब मैं पेंट करूंगी इस पे तो ये और भी सुंदर दिखेगा। देखिए फिर मैं लाइट जलाकर भी दिखाऊंगी आपको कि इसका लुक कैसा आया है, कैसा दिखेगा ये। जो इस पे मैं ब्लैक कलर का पेंट करूंगी, लग रहा है ना कितना सुंदर। देखिए अब जब ये पेंट हो जाएगा तब देखिएगा आपको कितना सुंदर लगेगा ये। ये देखिए पेंट मैं कर रही हूँ, पेंट कर, जब पेंट पूरा सूख जाएगा तब मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी इसका। और इसमें आर्टिफिशियल कैंडल भी दिखाऊंगी मैं, जो बैटरी की लाइट से चलती है उस टाइप से वो मैं दिखाऊंगी। थोड़ा मेहनत लगता है पर मेहनत से एक अच्छी सी चीज़ निकल के आती है सामने, तो खुशी भी बहुत होती है। थोड़ा मेहनत तो लगता है, कोई भी चीज़ बनाने में तो मेहनत तो लगेगा ही, मेहनत लगता है। ये नीचे का पूरा पेंट हो चुका है, अब मैं ऊपर का इसका पेंट करूँगी। वो सूखने के लिए रख दिया है मैंने नीचे। आप ये पेंट कर रही हूँ, ये पेंट करने के बाद मैं इसका लुक दिखाती हूँ मैं आपको।
ये मैं अभी बना के रख ली हूँ, मेरा दिवाली में भी काम आएगा। मैं दिवाली में इसको डेकोरेट करूँगी, तब भी मैं आपको दिखाऊँगी, अगर आपको पसंद हो तो। देखिए इसका हो गया है, ये पूरा सूख चुका है, देखिए लग रहा है ना सुंदर। मैं इसमें लाइट जलाकर भी दिखाऊंगी, देखिए इस पे मैंने अवेयरनेस वार्निश किया है, इसलिए इसमें ग्लो आ रहा है। जो ये देखिए, इसमें मैंने अपने हाथों से पॉलिश किया है गोल्डन कलर, हल्के हाथों से, तो ये इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है, सामने से तो और भी खूबसूरत लग रहा है ये। देखिए इस तरह से मैंने गोल्डन कलर को हल्के हाथों से सिर्फ पॉलिश की हूँ। देखिए इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए अब मैं इस लाइट जला कर दिखाऊंगी, देखिएगा फिर ये कितना सुंदर दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा। देखिए ये पूरा पॉलिश मैंने अपने हाथों से कर दिया, ये देखिए लग रहा है ना सुंदर। मैं इसमें लाइट जलाकर दिखाऊंगी, ब्लैक में भी और गोल्डन में भी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है ना। ये आर्टिफिशियल लाइट है, बैटरी वाली। आपको कैसा लगा ये बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये रहा फाइनल लुक, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताएं कमेंट्स में। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।